एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बॉलर पदक विजेताओं का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आज आयोजित किया। इस कार्यक्रम में झारखंड की मिट्टी से निकले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने अभिनंदन समारोह का आयोजन उनके कोच के साथ किया, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस कार्यक्रम में स्वर्ण पदक विजेता लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, रजत पदक विजेता सुनील बहादुर और दिनेश कुमार और उनके कोच मधुकांत पाठक झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव शामिल थे। डॉक्टर कस्तूरी सहाय, सहायक निदेशक एमिटी विश्वविद्यालय झारखंड ने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। एमिटी एजुकेशन ग्रुप के उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा कि इस अवसर का हिस्सा बनना राज्य के सम्मान की बात है। उन्होंने राज्य की राजधानी में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के आगामी स्थायी परिसर में लॉन बॉल शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास न केवल महेंद्र सिंह धोनी हैं, बल्कि हमारे पास कई अन्य रत्न हैं जो झारखंड और भारत को गौरवान्वित करते हैं। एमिटी एजुकेशन ग्रुप के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने राज्य का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करने के लिए खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोच मधुकांत पाठक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे पास अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड के 100 संकेतक हैं। मधुकांत पाठक ने एमिटी परिवार को अस्थायी परिसर और एमिटी परिसर में से किसी में भी लॉन बॉल्स खेलने के लिए उद्घाटन के लिए धन्यवाद दिया। अपने अनुभव साझा करते हुए दिनेश कुमार ने एमिटी के प्रयासों की सराहना की और आगामी 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि केंद्रीय खेल प्राधिकरण इस बार खेल का नाम रोशन करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बार एक बड़ी राशि का निवेश किया जाता है।